इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दोबारा वर्ल्ड कप को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। लाखों करोड़ों फैंस जिस पल जिस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार उस पल उस वक्त की इंतजार की घड़ियां आज जाकर के समाप्त हुई हैं। T20 की पांचों सीरीज भारत जीत चुका है। आप सभी को बता दूं कि जिसमें से चार सीरीज भारत जीत चुका है और तीसरे मुकाबले में हार देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत अब है वो अब चैंपियन बन चुका है। जी हाँ, अब भारत चैंपियन बन चुका है। लेकिन अब BCCI और ICC ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया है दोबारा वर्ल्ड कप को लेकर के। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया के PM को भी पता लग गया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने और अंपायर ने कितनी बड़ी बेईमानी करके भारतीय टीम को हराया है और जो सही हकदार भारतीय टीम थी ट्रॉफी का वो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया इस बेईमानी के तरीके से कैसे बन गई। आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा कि ICC BCCI चीफ डेविड चेयरमैन बारकले ने क्या ऐलान दिया है, ऑस्ट्रेलिया के PM ने क्या कहा है दोबारा वर्ल्ड कप को लेकर के। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वर्ल्ड कप को लेकर के बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। लाखों करोड़ों फैंस खुशी से झूम उठेंगे। रोहित शर्मा विराट कोहली को जैसे ही वर्ल्ड कप दोबारा होने की पता लगी बात तो उनके भी आंख से आंसू छलक आए। अगर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी ना होते तो शायद इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का दोबारा मुकाबला नहीं हो पाता। आप सभी को बताएंगे और लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के PM और ICC BCCI ने कौन से बड़े बयान दिए हैं। यहाँ तक कोच राहुल द्रविड़ ने भी बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है दोबारा वर्ल्ड कप को लेकर के। जिस खबरी को खुशखबरी को सुनेंगे आप तो खुशी से झूम उठेंगे। ये बात 19 नवंबर 2023 की है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया। मुकाबला काफी ज्यादा खतरनाक और विस्फोटक मुकाबला था। इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत निश्चित थी। आप सभी को बता दें कि टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतरी। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और सुमन गिल हमेशा की तरह फुल फॉर्म में गए। सुमन गिल 4 रन बनाकर के आउट हो गए। रोहित शर्मा को काफी ज्यादा दुख हुआ लेकिन अपने आप को संभाला और खतरनाक विस्फोटक पारी खेलते रहे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोहित शर्मा के आगे पानी भरते नजर आ रहे थे क्योंकि यहाँ के ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बॉल डालूं तो डालूं कहां पर। रोहित शर्मा हर एक बॉल पर चौका और छक्का जड़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम और कप्तान ने बेईमानी करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल के 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जब रोहित शर्मा ने तगड़ा शॉट खेला वो बॉल है बाउंड्री के भीतर रह गई लेकिन ड्रेविस हेड के खिलाड़ी ने उस बॉल को कैच कर लिया। लेकिन सही मायने में ड्रेविस हेड ने कहा कि वो बॉल की स्पीड और ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि उस बॉल को मैंने सही तरीके से कैच नहीं कर पाया, वो बॉल जमीन को टच कर गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बोल पाता उससे पहले अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट करा दे दिया। मैं भी बहुत ही खुश था क्योंकि मैं भी जीत और ट्रॉफी के जुनून में था। लेकिन सच्चाई है कि रोहित शर्मा नॉट आउट थे। अब वर्ल्ड कप का मुकाबला दोबारा खेला जाएगा। क्या दोबारा खेला जाएगा कि नहीं, आपके मन में काफी ज्यादा विचार उठ रहे हैं और एक लेख बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सच्चाई तो यही है कि रोहित शर्मा आउट हो गए थे। अब वर्ल्ड कप का दोबारा मुकाबला नहीं खेला जाएगा।